मैंने एक यहाँ देखिए अभी अभी जो है मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। ध्यान करने गए हैं, सवाल उठा रहा है मोदी जी, ध्यान लगा रहे हैं अभी। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। 400 पार कराएगी क्या? 400 मोदी जी अवश्य ही 400 पार में 4 की 4 जो है हिमाचल की सीटें।